करना चाहता हूँ कि आने वाली 19 तारीख को अल्पा मामला खान और राम प्रसाद बिस्मिल का शहादत दिवस है। उनको उस दिन फांसी दी गई थी। 19 तारीख को पूरे देश में कचरों को मार दिया जाए और सरकार को बताया जाए कि है वो सरकार। अगर तुम देश में उन्माद फैलाना चाहते हो तो हम देश में अमन की बात करेंगे और हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। इसीलिए आज हमने एक शानदार मार्च किया है। हम तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ ये एक इवेंट नहीं बनना चाहिए, इसको एक आंदोलन का रूप हमको देना है। सरकार को बताना है कि अगर तुम्हारे कागज के मोहताज नहीं है, हम तुम्हारे कागज से हम हिंदुस्तानी नहीं है, तुम्हारे कागज से हम नागरिक नहीं है, हम हमको कोई कागज नहीं दिखाने जा रहे हैं। उल्टे हम इस देश को बताने जा रहे हैं कि जब किचन में प्याज नहीं मिल रहा है, समाज में लोगों को प्याज नहीं मिल रहा है, सारे मांग रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। सरकार को ललकारने के लिए हमको अपनी आवाज को बुलंद करना है और सरकार को बताना है कि इस देश का जमहूरियत, इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान हम सबका है कि देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, जितना सिखों का है उतना ही ईसाइयों का है, ये देश जितना बुद्धिस्टों का है उतना ही जैनियों का है, ये देश जितना ईसाइयों का है उतना ही जैनियों का है और उतना ही उन लोगों का भी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। इसीलिए भारत का नागरिक होने के नाते इस देश के संविधान की जो मूल भावना है उस मूल भावना के ऊपर जो हमला किया गया है उसके खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इसीलिए हम आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपने घरों में शांत होकर मत बैठ जाइए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी क्षमता के अनुसार इस काले कानून के खिलाफ, इस देश विरोधी कानून के खिलाफ, जनगण विरोधी कानून के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और नारे को लगाइए हमारे साथ मिलकर के कि निकलो पन्न मकानों से, जग लो पैमानों से, इन पैमानों से जंग लड़ने की और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब मिलकर के लड़ेंगे। और यह जो काला कानून है, इस काला कानून को अभी आज हमने पूर्णिया में हिराया है, हमको पटना और दिल्ली को हिराना है। इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि इस आजाद भारत में जो आजादी हमको मिली है, महात्मा गांधी, मौलाना कबूल अबुल कलाम आजाद, नेहरू, भगत सिंह, अंबेडकर, उन तमाम लोगों के जो सपनों का भारत है, आजाद अफगान और बिस्मिल के जो सपनों का भारत है, आज उस भारत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हमको जो आजादी मिली वो आजादी हमें छीनने की कोशिश की जा रही है। हमको पूरा भरोसा है कि हम इंसान है, गुलाम नहीं है। इसीलिए हम अपनी आजादी के ऊपर हमला नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से अपने साथ एक आजादी का नारा लगाने का आग्रह करता हूँ कि इस देश में जब तक गुलामी बढ़ेगी तब तक मुट्ठी ध्यान करके हम आजादी के नारे को बुलंद करेंगे। हमको भूखमरी से आजादी चाहिए, आजाद देश में, भारत देश में हमको अत्याचार से आजादी चाहिए, हमको सांप्रदायिकता और दंगाइयों से आजादी चाहिए, हमको हमसे अपने हक और अधिकार के ऊपर जो हमले हैं उन हमलों से आजादी चाहिए। आपको चाहिए